नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। विकासखंड सितारगंज की ओर से एनआरएलएम कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें सितारगंज विकासखंड के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ सितारगंज ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर ने किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। वहीं सितारगंज विकासखंड की ओर से एनआरएलएम कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को बताया गया कि किस तरीके से अपने परिवार को स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आजीविका चला सकती हैं, और साथ ही समझाया गया कि किसी साहूकार से अपने परिवार को कर्ज लेने से बचा सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताया गया कि ताकि नारी को सम्मान मिल सके। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। सारी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और ब्लॉक स्तर पर यहां पे एक प्रोग्राम रखा गया है, तो यहां पे समूह की बहुत सारी महिलाएं हुई हैं जो बहुत सारे रोजगार, नए नए रोजगार कर रही हैं और उनसे अपनी आजीविका चला रही हैं। तो मैं आज महिला दिवस के अवसर पर उन महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि वो परिवार की रीढ़ है, अपने परिवार के लिए आजीविका में अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो जो भी प्रशिक्षण मिलता है उन्हें, उसे नए नए आय के जो स्रोत बन रहे हैं, तो वो अपने साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा में उसमें खर्च करें। तो मैं आज महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। धन्यवाद। पर प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी महिलाएं बना रही हैं, क्योंकि हमारा जो एनआरएलएम है उसको चलते हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं, तो हमने ऑलरेडी 900 एसएचजी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 850 को आरएफ जो 10,000 होता है मिल चुका है, और 325 को हमारा सीआईएफ भी मिल चुका है, और हमारी 600 महिलाओं को सीसीएलबी हम करा चुके हैं। ऑलरेडी फंडिंग सबको हो चुकी है। ग्राम संगठन हमारे यहाँ पर सर 88 बन चुके हैं और सीएलएफ हमारे 5 बन चुके हैं। तो जहाँ तक हमारा कम्युनिटी डेवलप करने का प्लान था वो सारा सक्सेस हो गया है। अब जो सरकार का मेन फोकस है एनआरएलएम में, वो सिर्फ यही है कि महिलाएं अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं, सेल्फ बिजनेस करें और कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर कोई करे। इसलिए ही हमने जो महिलाएं हमारी एक्चुअली काम तो बहुत ज़्यादा कर रही थी, लेकिन फोकस नहीं हो पा रहा था, वो कहीं उनको दिखा नहीं पा रही थी कि वो क्या बना रही हैं। इसलिए हमारा ये सरस जो था, बिल्डिंग तो पहले से थी लेकिन इसका थोड़ा रेनोवेट कराना था, तो मैंने इसको रेनोवेट करा के इसको बिल्कुल रेडी कर दिया है, और आज से हम इसकी स्टार्टिंग भी कर रहे हैं। तो जो भी प्रोडक्ट हैं महिलाएँ बना रही हैं वो सारे यहाँ पर मिलेंगे बिल्कुल सही रेट में और घर के बने हुए, और हमारी उम्मीद है कि सारे लोग ज़्यादातर यहीं से ही खरीदारी करेंगे, जिससे हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण और आगे बढ़े और वो अच्छे से अपनी आजीविका चलाने के लिए सक्षम हो सके। थैंक यू।